नाजरीन इस वक्त मैं ब्लॉक कास्तीगढ़ की पंचायत कुंदहार बी से मुखातिब हूँ और मैं आपको एक जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक आज फोन पे एक ऑनलाइन इंटरव्यू करना है जो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जगदेव सिंह ठाकुर जी जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के VDC यूनियन के प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से वो मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। इन्होंने कुछ मुद्दे रखे हैं सामने और मैं इनसे पूरी कोशिश करूँगा कि क्या मुद्दे लेके वो आज हमारे इस चैनल में आए। सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो आप इस वक्त देसा से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सर बताइए क्या समस्या है आपकी। सर हमारी समस्या 90 के दशक में मिलिट्री जब आरओ थी और मिलिट्री जब पीक पर थी तो तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे सर उन्होंने VDC का गठन किया। वो VDC का गठन सर इसलिए किया था जी सर सुन पा रहे हैं। हाँ VDC का गठन इसलिए किया था सर कि मिलिट्री जो थी आरओ पर थी और सर जिला को बर्बाद किया जा रहा था महकमा तालीम को बर्बाद किया जा रहा था और शेरेआम आदमियों का कत्लेआम किया जा रहा था और वो सर बल्कि हलाल काम किए जाते थे सर। तो इसलिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने VDC का गठन किया और उस टाइम से लेकर आज तक VDC को जो सैलरी मिल रही थी सर वो 8 आदमी के कमेटी थी उसमें से 3 आदमी को SPO बना दिया इन्होंने और वो सैलरी सब बांट रहे थे सर। तो बाद में सर 2000 जब 12 और 18000 की बात हुई जब 12 और 18000 उनको एक बंदे को मिलने लगा तो उन्होंने सर कोर्ट केस कर दिया और वो सैलरी देना जो है बंद कर दी VDC मेंबरों को। तो जी सर ऐसा हुआ कि हमारी एक मेंबर तो सर ये VDC जो मुंद्राम थे जबकि उन्होंने साथ में बराबर का काम किया था मतलब कोई भेदभाव नहीं कोई कुछ नहीं बराबर का काम किया था सर। और जबकि मैं क्या कहूँ सर VDC ने जो अपना काम किया ना वो सर शाना बिशाना काम किया महकमे तालीम के साथ हेल्थ वालों के साथ डेड फोर्स के साथ और VDC ने ऐसा काम किया सर कि इंडियन आर्मी की तरह काम किया सर इंडियन एयर फोर्स की तरह बन के काम किया क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी से वहाँ के रहन सहन से वहाँ के आर्मी के संचालन से सब VDC वाकफ थी और जो बाहर के जो फोर्स थी वो गैर वाकफ थी वो उसको पता ही नहीं चल रहा सर कुछ भी। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है पहाड़ी इलाका है डिस्ट्रिक्ट डोडा कश्तवाड़ रामबन ये पहाड़ी इलाके हैं सर। तो इनमें मतलब ये फोर्स बिल्कुल नाकाम थी सर। तो VDC के बदौलत ही सर अगर सर मिलिट्री जो खत्म होगी तो VDC के बदौलत खत्म होगी सारा श्रेय जो जाता है VDC को जाता है क्योंकि VDC ने बहुत बड़ा काम किया सर और फौज के साथ मिलकर और सब डिपार्टमेंटों के साथ मिलकर। जी सर मैं आपसे कुछ एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि क्योंकि आपने बताया कि DDC के हवाले से हम बात करेंगे कुछ इलेक्शन बायकॉट करना चाहते थे सर क्या वजह थी कि आपने इलेक्शन बायकॉट किया हुआ था और फिर आपने इलेक्शन DDC जो है फिर आपने जो VDC के थ्रू जो इलेक्शन फिर शुरू हो गया तो सर क्या वजह थी कि आपने इस इलेक्शन को बायकॉट किया हुआ था। सर VDC को तनख्वाह नहीं मिल रही थी इसलिए VDC ने इलेक्शन बायकॉट करने का पूरा फैसला कर लिया था। माननीय अशोक कोल जी ने रविंदर रैना जी ने और शक्तिराज परियार जी ने इन्होंने हमें आश्वासन दिया लिख कर दिया सर रिटर्न में कि है जो आपकी सैलरी जो है इलेक्शन के तुरंत बाद आपके अकाउंट में आ जाएगी सर। तो इसलिए हमने जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया सर। हमें माननीय अशोक कोल जी पर पूरा भरोसा है माननीय रविंद्र रैना जी पर पूरा भरोसा है शक्तिराज कहिया जी पर पूरा भरोसा है कि हमें सैलरी मिल जाएगी सर इसलिए हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया सर। सर अभी सर अभी आपकी क्या मांग रहेगी सर। सर हमारी ये मांग रहेगी सरकार से कि कुछ SPO जाते थे 20% SPO तनख्वाह दे रहे हैं सर VDC के जो SPO हैं 20% वो तनख्वाह दे रहे हैं सर 7% और लोग वो भी तनख्वाह देना चाह रहे हैं सर मगर 20% के लोग ऐसे हैं ना सर वो उनको तनख्वाह नहीं देना चाहते हैं। और सर सरकार से सबसे मेरी बुरी मांग ये रहेगी पिछले जो 3-4 सालों से जो सैलरी बंद हुई किसी की वो सब
कितने लोगों के, दूसरी दुकान मेरी है, दूसरी दुकान मेरी है सर, पांच नंबर के अपने फोन में सर जी आ जाने के, तीसरी है मेरी दुकान है सर की वीडीसी के अंदर जो भी विद्यार्थी के अंदर जो भी काम करते हैं जिनको गन है सर उनको सबको बराबर उनको सबको पैसा मिलनी चाहिए और वीडीसी के अंदर सर क्योंकि मेरी दुकान ये है सर वीडीसी के अंदर जो एसपीओ वीडीसी के जो एसपीओ है वीडीसी वाले हैं विद्यार्थी जो भी है सर जो भी वीडीसी एसपीओ तरफ सबको बराबर का दर्जा होना चाहिए या तो हमें भी सर या तो वीडीसी वालों को भी हमारा जवाब दे के उनको तनख्वाह दे दे या तो उनकी तनख्वाह में से बाहर दे हम दोनों चीजों के लिए तैयार है सर जी सर जी सर और कुछ आपकी मांग रहेगी सर नहीं सर यही चार मांगे हमारी यही डिमांड है और मेरी सरकार से भी ये आपके माध्यम से सरकार को ये भी ये चार जो डिमांड है हमारी ये पूरी हो जाने के और सर मेरी आपके माध्यम से विदेशी उम्रों को भी कहना चाहता हूँ कि डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है माननीय अशोक कौर जी ने माननीय रविंद्र रैना जी ने माननीय शक्तिराज परिहार जी ने उन्होंने हमारे साथ पता किया है और हमें जल्दी बिल्कुल 100% में मिलेगी और कुछ ही मैंने डेढ़ दिन कहा 15-20 मिनट का वेट करना पड़ेगा हमें वापस नहीं है जी सर अगर आपने बात की कि यानी कि रविंदर रैना जी और शक्ति परिहार जी जो कि आपने बात की आपके सैलरी के बारे में तो आप तो थोड़े दिन है इलेक्शन को क्योंकि 22 तारीख को उनका रिजल्ट आ रहा है आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन किस लेवल पे काम करेगा सर जी ये बात तो है सर ये बात तो है मगर सर हमें पूरा भरोसा है हमें पूरा आश्वासन है इन्होंने हमें लिख कर दिया रिटर्न एविडेंस दिया हुआ सर हमें तो सर बहुत बहुत शुक्रिया पकार न्यूज में जुड़ने के लिए आपका सर थैंक यू सर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो नाजरीन ये थे मेरे साथ जगदेव जी ठाकुर जो के देसा से मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मुखातिब थे इनकी जो मांग है वीडीसीज एसपीओ के ये जो मेंबर हैं आगे ये सरकार से अपनी मांग को फिर से लाना चाहते हैं कि इनकी जो सैलरी है वो वक्त पे दी जाए तो अपने मेज़बान रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़।